गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर में करेंगे चैप्टर 4 काइंड ऑफ सेंटेंस क्वेश्चंस एंड स्टेटमेंट। सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं? क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट्स। भव्या टोल्ड बृंदा, सिंस यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द सेंटेंस लेट अस मूव अ स्टेप फर्दर। भव्या ने बृंदा से कहा कि अगर तुम्हें सेंटेंस समझ में आ गया तो चलो हम आगे स्टेप बढ़ते हैं। सी आस्क्ड डू यू रिमेंबर, उसने पूछा तुम्हें याद है। डब्ल्यू वर्ड्स वी स्टडी अर्लियर, हमने पहले डब्ल्यू वर्ड्स पढ़े थे जो उसे हम क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है हु इज़ ईटिंग चिप्स, वेयर आर यू गोइंग, वॉट इज़ इन द बॉक्स एंड वाई आर यू सैड। द अवर ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑल्सो मेक कम्प्लीट सेंस, सो दीज आर ऑल्सो सेंटेंसेज। देखो ये सारे ग्रुप्स में ये जो वर्ड्स हैं ऊपर जो दे रखे हैं इसमें देखो ये कम्प्लीट सेंस बन रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं जिस जो सेंटेंस भी है कैपिटल लेटर से स्टार्ट है और क्वेश्चन मार्क पे ख़त्म है। बट एज दे आस्क समथिंग सो दे आर क्वेश्चंस। जब हमसे कोई चीज़ें पूछी जाती है ना तो वो क्वेश्चंस होते हैं, दे एंड विद अ क्वेश्चन मार्क और जो कि क्वेश्चन मार्क के साथ ख़त्म होते हैं। बृंदा आस्क्ड सो एवरी सेंटेंस दैट्स बिगिंस विद डब्ल्यू वर्ड्स वुड्स बी अ क्वेश्चन। बृंदा ने कहा कि हर सेंटेंस जो डब्ल्यू से स्टार्ट होता है क्या वो क्वेश्चन होते हैं। भव्या सेड्स और नॉट नेसेसरी, अरे नहीं ये ज़रूरी नहीं। एग्जाम्पल वेल इज़ अ यूज फिश, देखो वेल डब्ल्यू एच से स्टार्ट है लेकिन ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, ये सिर्फ हमें बताया जा रहा है, हमें एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, इट्स नॉट आस्किंग फॉर समथिंग। सिमिलरली इन केस आई आस्क हाउ आर यू, ठीक है ये जैसे हमने पूछा हाउ आर यू इट्स अ क्वेश्चन बट इट्स नॉट डज बिगिन इन विद डब्ल्यू। देखो इसमें पूछा जा रहा है हाउ आर यू, ठीक है इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है लेकिन ये डब्ल्यू एच से स्टार्ट नहीं है, ठीक है। सो इट इज़ नेसेसरी दैट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गिवन टू अस एंड देन डिसाइडेड वेदर इट इज़ अ स्टेटमेंट और क्वेश्चन। ये ज़रूरी नहीं है कि जो डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो वो क्वेश्चन वर्ड्स ही हो, और ये ज़रूरी नहीं है कि जो डब्ल्यू एच से स्टार्ट ना हो वो क्वेश्चन वर्ड्स ना हो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सिर्फ इसे रीड करना है काइंड ऑफ सेंटेंस क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट को। इसकी एक्सरसाइज हम कल करेंगे। आज मैं हिंदी में आपको कुछ मात्राएँ दूंगी, ठीक है, जिसमें आ से लेकर ओ तक की सारी मात्राएं हैं, जिससे शब्द भी बने हैं वर्ण भी बना है, ठीक है। तो ये जो मात्राएं हैं जैसे देखो पहला है स्वर, ये सारे स्वर दे रखे ना, अनार आम इमली ई खुल्लू ऊन ऋषि एड़ी ऐना खोखली औरत। फिर उसकी मात्राएं दे रखी हैं कि किसकी मात्रा कौन सी होती है। उसके बाद व्यंजन प्लस स्वर कर रखे हैं, ठीक है देखो, और फिर व्यंजन प्लस स्वर करके वर्ण बनता है, ठीक है। व्यंजन को जब हम स्वर से प्लस करते हैं तो वर्ण बनता है, मिलाते हैं जब वर्ण बनता है, वर्ण से फिर शब्द बनते हैं, ठीक है। तो ये जो आ से लेकर ओ तक है इन्हें आपको अपनी पहले ग्रामर की कॉपी में करना है, ठीक है, मात्राएं डाल के, जिससे आपको आप ये करोगे तो इससे आपको मात्राओं का ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। आप इधर देख रहे हो ना ब्लू कलर से, जैसे जो भी मात्राएं हैं उनको हाईलाइट किया गया है ब्लू कलर से, तो उसे भी आपको हाईलाइट करना है। जैसे पेंसिल से करोगे उसके नीचे डैश कर देना, तो इससे आपको मात्राओं का पता रहेगा, ठीक है। तो ये आपको आपका होमवर्क है हिंदी का। मेरा आज हम पढ़ेंगे जीके में चैप्टर 3 अबाउट फैदर फ्रेंड्स, मतलब जिनके पंख होते हैं। रीड व्हाट दिस वर्ड्स आर टेलिंग अबाउट देमसेल्व्स, राइट देयर नेम इन द ब्लैंक्स, टेक द हेल्प फ्रॉम हेल्प बॉक्स। मतलब इसमें कुछ वर्ड्स अपने बारे में बता रहे हैं तो आपको पता लगाना है कौन सी लाइन किस वर्ड के लिए, पक्षी के लिए हेल्प बॉक्स की हेल्प लेके। फर्स्ट आई कैन सी इन डार्क बट कैन नॉट सी इन द लाइट, डार्क में देख सकते हैं पर लाइट में नहीं, वो कौन है आउल। सेकंड आई सीन स्वीटली इन स्प्रिंग, आईले में आए गिना क्रोज। नेक्स्ट जो बसंत आता है तो मैं अच्छा गाती हूँ और अपने जो अंडे वो किस में देती है, कौए के घोंसले में, तो वो कौन सा पक्षी है, कुकू। थर्ड आई फैन आउट माई टेल फैदर्स एंड डांस, जो कि मैं अपने पंख फैला के डांस करती हूँ, कौन सा पक्षी है बताओ, पीकॉक। फोर्थ आई एम अ सॉन्ग बर्ड, आई मेक अ नेस्ट बाय स्टिचिंग टुगेदर द ट्री लीव्स, मैं सॉन्ग बर्ड हूँ और जो मैं अपना घोंसला है वो पेड़ों की पत्तियों को सिलकर बनाती हूँ, तो कौन सा है, टेलर बर्ड। उसके बाद आता है फिफ्थ आई एम कंसिडर्ड एन एक्सपर्ट एट वीविंग नेस्ट, मतलब मैं एक्सपर्ट हूँ मैं घोंसलों की बुनाई करने के लिए, तो कौन से वेवर बर्ड। सिक्स्थ है आई एम अ ब्लैक एंड वाइट बर्ड, आई कैन नॉट फ्लाई बट स्विम वेरी वेल, मैं ब्लैक और वाइट कलर का पक्षी हूँ, मैं उड़ नहीं सकता लेकिन मैं स्विम बहुत अच्छा कर सकता हूँ, कौन है, पेंगुइन। सेवन्थ आई एम अ ब्यूटीफुल एंड कलरफुल बर्ड, आई कैच फिश बाय डाइविंग इनटू वाटर, ब्यूटीफुल और कलरफुल बर्ड हूँ जो मैं अपनी फिश को कैच करता हूँ डुबकी लगा के पानी में।
क्या कहते हैं, किंग फिशर एट ए आई एम ए ग्रेसफुल वाइल्ड वाटर बर्ड, बहुत ही ग्रेसफुल मतलब जैसे अच्छा शांति का प्रतीक करके एक वाइट वाटर बर्ड हूँ, पानी का पक्षी हूँ वाइट कलर का, जिसके आई हैव अ लॉन्ग नेक, मेरी एक लंबी गर्दन है, आई लिव नियर द लेक और मैं लेक के पास रहता हूँ। कौन है वो? श्वान। ठीक है, तो ये कुछ पक्षियों के, देखो इसमें से आपको न्यू न्यू बर्ड्स के नेम भी मिले हैं ना, तो आप बर्ड्स के नेम में भी इसका यूज़ कर सकते हो और ये चैप्टर आपको कॉपी में करना है।